हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीसेंट मिशन शक्ति के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद। अब ये क्वेश्चन उठ गया है कि आउटर स्पेस ट्रीटी क्या आउटडेटेड हो गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, क्या हमको नई ट्रीटी की ज़रूरत है जहाँ पे ये एंटी सैटेलाइट वेपन्स को भी कवर किया जाए। तो डिस्कस करेंगे सिचुएशन क्या है, कौन सी कंट्री का यहाँ पे क्या स्टैंड है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है prashant.dhawan.79। इस आईडी को आप फेसबुक या गूगल पर सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। UPSC परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो देखिए ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा, उल्टा मैं कहूँगा काफ़ी हद तक लाइकली है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मिशन शक्ति, आउटर स्पेस ट्रीटी या फिर जो स्पेस डिबरी मतलब मलबा, इसका जो इशू है इससे रिलेटेड प्रिलिम्स या मेंस या दोनों में भी सवाल आ सकते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका GS पेपर 3 होता है उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में तो आ ही चुका है, 2016 में ही आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आ गया था। मंगलयान से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे मंगलयान के बारे में। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो मंगलयान मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया था, इसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इस मिशन को मार्स पे भेजने के बाद इंडिया दूसरा देश बना दुनिया का जिसने एक स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट करवाया है मार्स के आसपास आफ्टर USA। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि दिस मंगलयान मिशन हैज मेड इंडिया द ओनली कंट्री, अकेला कंट्री टू सक्सेसफुली पुट द स्पेस क्राफ्ट इन द मार्स ऑर्बिट इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में मार्स के ऑर्बिट में स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला इंडिया पहला देश है। तो देखिए, आप अगर न्यूज को फॉलो करते आए तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर देंगे। पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया USA के बाद सेकंड कंट्री है टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स। इससे पहले ये काम रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कर चुकी है। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी में बहुत सी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, तो बताओ उसके हेडक्वार्टर्स यूरोप के किस देश में और किस शहर में आपको मिलेंगे? तो खैर, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो गई, मगर जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। कोई भी देश सिवाय इंडिया के पहले ही ट्राई में मार्स के ऑर्बिट में एक स्पेस क्राफ्ट प्लेस नहीं कर पाया है। तुम्हारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। तो रिसेंटली आपको बताया कि इंडिया ने सक्सेसफुली मिशन शक्ति कनेक्ट किया है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जहां पर सारी जो मैंने डिटेल्स हैं इस मिशन से रिलेटेड समझा रखी है, मगर यहां पे मैं कुछ ब्रीफ आपको पॉइंट्स बता दूंगा। ये आपके सामने फोटो है उस मिसाइल की जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया, और उसने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर एक इंडिया की ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने अपनी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय इसलिए किया है क्योंकि ये एक शक्ति प्रदर्शन था, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर कोई वॉर टाइम सिचुएशन आती है तो जो हमने अपनी सैटेलाइट के साथ किया है दुश्मन के साथ भी करने की हम कैपेसिटी रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मिशन प्ले आउट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मिसाइल लॉन्च हुआ, DRDO ने मिसाइल लॉन्च करवाया था, और अंतरिक्ष में हमारी एक सैटेलाइट थी 300 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर, इसको हमने हिट किया। अब ये जो हिट था, क्या ये ब्लास्ट था? ये जो मिसाइल था क्या इसमें एक्सप्लोसिव्स थे? नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इस मिसाइल ने काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल अंतरिक्ष में गया और एक ब्लास्ट हुआ वहाँ पर। इसने बेसिकली जो एक इसके पास मोमेंटम की स्पीड थी उसका यूज़ करके हिट किया है और उससे इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया है। तो कोई यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं हुआ। इंडिया का मेन यहाँ पे कंसर्न ये था कि जब सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो मलबा कम से कम फैले, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं बहुत ही तेज़ी से मूव करती हैं,
काफ़ी बार जो मलबा होता है वो बाकी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देता है या फिर किसी और मिशन को भी वो हैम्पर कर सकता है। तो इंडिया ने पहली बात तो 300 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे इस सैटेलाइट को इसलिए मारा है ताकि धीरे धीरे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए और जो भी इसके आसपास के पार्ट्स हैं जो टूट के इससे अलग हुए हैं, जो भी मलबा है, वो भी बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। चाइना ने जो सिमिलर टेस्ट किया था इसका 2007 में, वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल था। वो टेस्ट 800 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे था, वहाँ पे जो मलबा क्रिएट किया गया वो आज भी बहुत ही वाइल्ड तरीके से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और एक डेंजर बना हुआ है बाकी मिशंस को लेकर। और इसलिए जब चाइना ने ये टेस्ट किया था उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हाँ, एक थोड़ा बहुत वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का भी एंगल होता है। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बात पसंद नहीं आई थी कि चाइना के पास ये कैपेसिटी है, मगर उसके अलावा जिस तरीके से चाइना ने वो पूरा टेस्ट कंडक्ट किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल था। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी होगा कि जो हमने सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करी है वो कौन सी सैटेलाइट थी। देखिए, ये सैटेलाइट हमने रिसेंटली लॉन्च करी थी 2018 के जनवरी महीने में। सैटेलाइट का नाम अभी तक वैसे सरकार ने डिस्क्लोज़ किया नहीं है, मगर ज़्यादातर मीडिया स्पेकुलेशन के हिसाब से उसको अब माना जा रहा है कि ये माइक्रोसैट आर को हमने डिस्ट्रॉय किया है। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब माइक्रोसैट अब्दुल कलाम आइलैंड के बहुत ज़रा करीब थी तभी यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया। आइडिया यहाँ पे यह इंडिया ये बताना चाहता है कि कल को अगर कोई सैटेलाइट इंडिया पे नज़र रख रही है, स्पाइंग कर रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी इंडिया के पास है। अब जैसे ही ये टेस्ट कंडक्ट हुआ, इंडिया ने पहले तो ये क्लैरिफिकेशन दी पूरी दुनिया को कि इंडिया ने किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को वॉयलेट नहीं किया ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेस्ट था। पूरी दुनिया ने नोट किया कि अब यूएसए, रशिया, चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन गया है जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ वरिंग एटमॉस्फेयर ना बने, इसलिए इंडिया ने ये क्लैरिफिकेशन दे दी थी। अब आपको ये बताना चाहिए कि किस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी आउटर स्पेस ट्रीटी की। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रख लो कि आउटर स्पेस ट्रीटी काफ़ी बार हम मीडिया में यूज़ करते हैं। जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है द ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। बेसिकली अंतरिक्ष में कंट्रीज़ का क्या कंडक्ट होना चाहिए, वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड है, वहाँ पे कितनी वहाँ पे फ्रीडम मिलती है कंट्रीज़ को, ये सब डिसाइड करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई थी 1967 में, जिसको हम आज आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बता दिया कि आउटर स्पेस ट्रीटी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उस ट्रीटी में जिसका सिग्नेटरी इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सी कंट्रीज है, चाइना भी है, वहाँ पर ये लिखा है कि कंट्रीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अंतरिक्ष में नहीं रह सकती। मतलब कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इंसानों के पास इतनी कैपेसिटी है कि बहुत ही लंबे समय तक एक भारी भरकम, एक आप कह सकते हैं, स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हम प्लेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सी कंट्रीज़ के पास ये भी कैपेसिटी है कि वो एक अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन या फिर किसी और टाइप का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी प्लेस कर दें जो अंतरिक्ष से किसी भी कंट्री को हिट कर सकता है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर सकती, दिस इज़ नॉट अलाउड, मगर अपनी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में आप अगर शूट डाउन करते हो उसके बारे में इस ट्रीटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसलिए इंडिया ने कहा है कि हमने आउटर स्पेस ट्रीटी का कहीं से भी वायलेशन नहीं किया और सिमिलर टेस्ट इससे पहले यूएसए और रशिया और इवन चाइना कर चुके हैं। तो इस वजह से आउटर स्पेस ट्रीटी अब काफ़ी हद तक न्यूज़ में आ गई है। बहुत सी कंट्रीज़ अब ये मान रही हैं कि ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको साइन कर रखा है एंड दे आर पार्टी टू दिस ट्रीटी। आप देख सकते हैं यूएसए, जो भी आपको हरी कंट्री दिख रही हैं वो पार्टीज़ हैं इस ट्रीटी की, मतलब कि पूरी तरीके से इस ट्रीटी को वो मानती हैं। आप अगर देखोगे तो साउथ एशिया में सिवाय भूटान के आपको सारी कंट्रीज़ पार्टीज़ दिखेगी, इवन अफगानिस्तान इसकी पार्टी है, और सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसकी पार्टी नहीं है, और अफ्रीका में भी आपको दिखेगा कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसकी पार्टी नहीं है, मगर ओवरऑल जो मेजर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, यूके, ये सब कंट्रीज़ इसकी पार्टी हैं। मगर
आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस की मिलिट्राइजेशन जो हो रही है उसको एड्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रहा। रिसेंटली यूएसए ने डिक्लेयर किया है कि वो एक स्पेस फोर्स बनाएंगे। अब स्पेस फोर्स में वो क्या रखेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी वो क्लियर किया नहीं है, मगर ये देखा जा रहा है कि यूएसए खुद को अब री इन्विगरेट कर रहा है एक नई स्पेस रेस के लिए। उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि अगले 5 साल में फिर से हम एक ह्यूमन बीइंग मून पर भेजेंगे, यूएसए भेजेगा। ये ऑफ कोर्स यूएसए कर रहा है क्योंकि चाइना की तरफ से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है और अब इंडिया भी अब रेस में आ चुका है। तो अब यूएसए यहाँ पे एक स्पेस फोर्स बना रहा है। इंडिया ने भी एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एक दशक में और भी कंट्रीज इस वेपन को टेस्ट करेंगी। तो ऐसे टाइम में हमें एक नई ट्रीटी चाहिए स्पेस को लेकर, जहाँ पे स्पेस की जो मिलिट्राइजेशन हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ और ऐसा ना हो कि ये सारी कंट्रीज डोमिनेंस के लिए स्पेस को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट करते हैं। और नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं, स्पेस में डिबरी फैलाकर, मलबा फैलाकर। बेसिकली होगा क्या, हम लोग धरती में जो भी हमको आयरन ओर मिलते हैं, कॉपर ओर मिलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम मेटल बनाते हैं। मेटल बना के हम सैटेलाइट उसकी लॉन्च कर देते हैं। अब अंतरिक्ष में उस मेटल को होना नहीं चाहिए, नेचर ने इस तरीके से बनाई नहीं है दुनिया, ये तो हम ह्यूमन बीइंग्स इस मेटल को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। अब उसके बाद हम वेपन्स भी बना रहे हैं कि उस मेटल को हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो ये जो मलबा फैल रहा है ये काफ़ी हद तक डेंजरस है। आने वाले टाइम में अगर हम स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें ये स्पेस डिबरी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ सकती है। सो फॉर द टाइम बींग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि एक नई आउटर स्पेस ट्रीटी आए जहाँ पर स्पेस की जो मिलिट्राइजेशन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो नई ट्रीटी हो उसमें जिन कंट्रीज़ ने अब तक स्पेस में मिलिट्राइजेशन को लेकर डेवलपमेंट कर ली है उनको इक्वल स्टेक मिले। क्योंकि चांसेस हैं कि जब ये ट्रीटी बनेगी वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज और प्राइमरली यूएसए अपने लिए स्पेशल प्रोविजन डालने की कोशिश करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस नई स्पेस ट्रीटी में कि इंडिया, रशिया, चाइना इकट्ठा काम करें और एक न्यूट्रल स्पेस ट्रीटी दुनिया के सामने लाए फॉर अ पीसफुल स्पेस। नाउ ये टॉपिक अभी ऑनगोइंग है, काफ़ी इसमें डेवलपमेंट्स और होनी बाकी है, काफ़ी इस पर डिबेट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली एक नई ट्रीटी की बात विद इन अ ईयर सामने आएगी। तो इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।